नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्लासी मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कल यानी कि एक्सपायरी के दिन हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहना चाहिए और हम किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपका ही फायदा होगा। वहां पे मैं फ्री में आज भी जो भी लेवल दिया लास्ट में वो डेफिनेटली वर्क किया, सो दैट फ्री में मैं सब कुछ एनालिसिस वगैरह प्रॉपर लाइव मार्केट में गाइड करता हूं, जो मेरा खुद का ट्रेडिंग रहता है, जो मेरा एनालिसिस रहता है जेन्युइनली, ठीक है। तो जल्दी से जाओ, लिंक पे अभी क्लिक कीजिए, कल एक्सपायरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो दैट इसीलिए बोल रहा हूं, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया अभी के अभी लाइक हो जाना चाहिए, 500 600 700 जितना कर सकते हो यार, जो जो लाइक करेगा वीडियो डेफिनेटली उनको कल एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के साइड में आ रहा होगा, फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे मैंने कल रात 130 के आसपास सब कुछ लेवल वगैरह गाइड कर दिया था, अपडेट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 9:11 पे मेरा व्यू सच बोलूं तो आज बेयरिश की साइड था। 9:11 पे मार्केट ओपन होने से पहले मैं बोल दिया था 34,914, ये सारे लेवल मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूं, आप जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। 34,914 अगर ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तो सेल करना बोल के मैंने बोला था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर का लेवल दिया वो बिल्कुल सस्टेन नहीं किया, इनवैलिड था। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी फ्री में आपको करके देता हूं, ये भी आपको मिल जाएगा, जाओ या ज्वाइन कर लो। वहां पे मैंने क्या लिखा था, कॉल राइटर आर एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव टुडे, बिकॉज सीई साइड में क्या था, ओपन इंटरेस्ट बहुत बढ़ते जा रहा था जबकि मार्केट ऊपर जा रहा था। इसका मतलब क्या, स्मार्ट मनी ने क्या किया, पहले रिटेलर को पंप किया, ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन किया, देन डंप किया। तो आई होप आप मेरी लाइक का बात समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला था ऊपर तो जा नहीं सकता मार्केट, ठीक है। और ये भी मैंने लिखा था कि जो लेवल दिया मैंने वो तोड़ा तो डाउनसाइड, और आप देख सकते हैं लास्ट में मेरे लेवल को ब्रेक किया, इसके आसपास सस्टेन कर दिया और यहां से डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा आज का लेवल, लाइक अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप लाइक करना। और चलिए देखते हैं कल की बात करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट में आपको करना नहीं चाहता, अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलो कल की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए सिंपल कल के लिए हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी को पहले एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देख रहे हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, अब मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा क्रिएट होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी जिस जोन में आप देख सकते हैं, इस जोन में देखिए, इसी जोन को आप देखिए 23 जून से लेकर 24, ये जो एक दिन का था ना, यहां पे देखिए यहां पे क्या हुआ था, कहीं ना कहीं एक्युमुलेशन हुआ था, एक्युमुलेट होके क्या किया बैंक निफ्टी ने, ऊपर मूवमेंट किया। और अगर हम आज की दिन की देखें 35,000 के नीचे तो क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है, 35,000 के नीचे तो क्लोजिंग देके आई थिंक 34,780 यहाँ पे तो क्लोजिंग दे दिया है, बट कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि हाँ कल अगर देखिए हमें सेलिंग प्रेशर, अगर आप बोल रहे हो कि पूरे मतलब जबरदस्त सेलिंग प्रेशर कब देखने को मिलेगा, मैं आपको लेवल बताता हूँ, 34,525 अगर इस लेवल को तोड़ेगा, ये जो डाउनसाइड में लेवल बना के रखा हूँ 34,525 तोड़ेगा तब जाके सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, पीछे जाके देखते हैं। देखिए लास्ट टाइम जब एक्युमुलेशन यहाँ पे हुआ था, यहाँ से डाउनसाइड मोमेंटम देने की कोशिश की मार्केट ने, बट यहाँ से अचानक ऊपर मूव किया, और जैसे ही मूव किया कहीं ना कहीं ऊपर मूव किया, राइट। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस प्लेस पे अगर आप देखेंगे किसे ट्रैप किया गया, देखिए यहाँ पे एक बॉक्स में बना लेता हूँ, मार्केट ने क्या दिखा है कि मैं लाइक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, देन डाउनसाइड मोमेंटम किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, सब सोचे यहाँ से नीचे चला जाएगा, फिर यहाँ से घुमा गया मार्केट को और यहाँ से ऊपर चला गया, सो देट जहां से उछला था मार्केट, कहां से 34,525 वो अगर टूटेगा तब जाके टारगेट सीधा 33,937 तक आपको देखने को मिलेगा। ओपन चैलेंज देखें बोलता हूं डेफिनेटली, क्योंकि बीच में और स्पेस ही नहीं है, आप ध्यान से देखिए इसके बीच में स्पेस ही नहीं है, ये लेवल टूटा सीधा 500-600 पॉइंट, ठीक है। बाय हम कब कर सकते हैं, देखिए बाय करने के लिए कल अगर मार्केट, ये तो सिचुएशन बता दिया, फ्लैट ओपनिंग होकर अगर 34,691 ये सारे लेवल देखना है, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, 34,691 टूटेगा तो हम सेल करेंगे 100 पॉइंट के लिए, बट ज्यादा प्रॉफिट के लिए कब वेट करेंगे, जब 34,525 टूट जाएगा, तो ठीक है बाय कब कर सकते हैं, देखिए ऊपर गैप ओपनिंग अगर हो गया मैं गारंटी देता हूं वोलेटाइल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 35,000 एक रेजिस्टेंस लेवल है, कल आज के दिन ही फ्रेश रेजिस्टेंस बना है, ऊपर से ओआई सबसे ज्यादा खड़ा है, सो दैट 35,000 के ऊपर ही हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ बाय का लेवल बना डेफिनेटली लाइव मार्केट में गाइड कर लूंगा, बट क्यों आपसे झूठ बोलूं, क्यों आपसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्यों मैं आपको कुछ भी बता दूं, 35,000 के ऊपर ही हम बाय कर सकते हैं 200 पॉइंट के लिए, रीजन भी आपको पता है, अगर गैप ओपनिंग हुआ, क्या हुआ, गैप ओपनिंग हो गया तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये डेफिनेटली सपोर्ट बन जाएगा, नीचे तो पहले से सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो ये वोलेटाइल हो जाएगा और साइडवेज टाइप का रह जाएगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे आता है तो 100 पॉइंट मिलेगा, बट 34,525 टूटता है
तो बहुत अच्छा खासा हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए देख लेते हैं निफ्टी का जल्दी से, बहुत टाइम हो चुका है। निफ्टी का हम देख लीजिए, देखिए निफ्टी भी अगर आप देखें, ये जो ग्रीन का जोन में बना के रखा हूं, अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। सो देट निफ्टी को आप पूछोगे क्लियर व्यू, बोलो सर क्लियर हमें कब सेल देखने को मिलेगा। देखो 15,684 जो लेवल है 684, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, पीछे जाके देखते हैं। देखिए यहाँ से भी वही सेम, थोड़ा बॉक्स टाइप का बना मार्केट, यहाँ पे लाइक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का हुआ फेक ब्रेकडाउन, और यहाँ से ही मार्केट घूम गया था। सो दैट यहाँ पे आके मार्केट ने हॉल्ट किया है, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली आज के दिन यहाँ पे आके यहाँ से थोड़ा एक लास्ट स्विंग मारा है। सो दैट सिंपल, अगर कल फ्लैट ओपनिंग हो गया, थोड़ा मार्केट को नीचे आने देना, इट्स ओके, बट 15,600, देखो आप रिस्की प्लेयर हो तो 15,700 टूटते ही सेल कर सकते हो, बट सेफ प्लेयर हो, क्लियर डायरेक्शन चाहिए तो 15,684 टूटते ही आप सेल कर सकते हो। टारगेट सीधे 15,600 तक रहना चाहिए, बाय कब कर सकते। देखिए ये जो मैंने ब्लैक कलर का ट्रेंड लाइन खींच के रखा है, ये क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। कल अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होके 15,775 अगर तोड़कर सस्टेन कर दिया, तो आप टारगेट मार सकते हो 15,825 तक। रीजन पता है आपको क्यों, एक यहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, प्लस ट्रेंड लाइन भी तोड़ दिया तो ऊपर जा सकता है, यही रीजन है, यही लॉजिक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया। वीडियो को लाइक कर दो यार, आपको सब कुछ अगर लॉजिक क्लियर हो गया, मेरा लॉजिक सही लगता है कि नहीं, मेरे लाइव मार्केट में एनालिसिस कैसा लगता है, आप कमेंट डाउन कर लीजिए, सारे कमेंट पढ़ता हूं, रिप्लाई भी कर सबको दिया। थैंक यू सो मच प्रणीत, सारे प्यार देने के लिए। चले मिलते हैं कल के दिन, अपने मेरे को बहुत सारे प्यार दीजिए, टेक केयर, बाय एंड सी यू।